बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिलाई देसी दुकान में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ आलमंड केक और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मोल्ड तैयार करेंगे। मैंने बटर पेपर लिया था और उसे इसी साइज़ में काट के ऊपर से ऑयल लगा दिया है। यहाँ पे कुछ मैंने बादाम लिए थे और उन्हें सेंटर में से काट लिया है। सारे इस मोल्ड में बटर पेपर के ऊपर लगा देंगे। मोल्ड बिल्कुल रेडी है, अब इसे साइड पे करते हैं। एक अंडा लिया था मैंने और उसमें 5 से 6 खाने के चम्मच चीनी डाल दी और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है, अब इसमें 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर और हाफ कप मैंने मैदा लिया है वो इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। इसे अच्छे से छान लिया था। यहाँ पे मैंने बादाम लिए थे, उन्हें पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पाउडर बनाना इनका, ये इसमें शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मोल्ड हमने रेडी किया था ये उसमें डालेंगे। मैं इसे बगैर ओवन के बना रही हूँ। पतीला लिया है मैंने, उसमें कोई भी आप बर्तन रख सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई प्लेट वगैरह, और उसके ऊपर इसे रखेंगे। 40 से 50 मिनट में हमारा केक बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। आंच हल्की कर देनी है, तेज़ आंच नहीं करनी है आपने। कवर कर दिया है, 50 मिनट बाद इसे देखते हैं। 50 मिनट हो गए हैं, केक हमारा रेडी हो गया है। अब इसे बाहर निकालते हैं, थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर इसे निकालते हैं बाहर। रूम टेम्परेचर पे आ चुका है केक हमारा, अभी इसे निकालते हैं। बड़ी आसानी से ये निकल गया है, आप देख सकते हैं। बहुत आराम से इससे बटर पेपर को अलग कर देंगे तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अब हम इस पे हनी लगाएंगे, शहद से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। अगर आपके पास शहद अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी कटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट केक बन के हमारा तैयार है। घर में मलाई बहुत आसानी से बन जाता है, बगैर बीटर के, बगैर ओवन के। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर हाज़िर होंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।